कृषि व उद्योग कमेटी शिमला की बैठक बुधवार को आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता कमेटी के अध्यक्ष कौशल मुक्टा ने की। इस अवसर पर अध्यक्ष ने जानकारी देते हुए बताया कि ये बैठक 2 साल बाद आयोजित की गई है। बैठक का उद्देश्य किसानों व बागवानों की सारी समस्याओं का निदान करना है। उन्होंने कहा कि बैठक में आए कर्मचारियों व अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि उद्योग विभाग उद्यम विभाग निगम के तहत 20 लोगों को 14 दिन का प्रशिक्षण प्रदान करे, जिसमें मोबाइल रिपेयर, कंप्यूटर एप्लीकेशन, फूड प्रोसेसिंग का प्रशिक्षण दिया जाए, जिससे लोग अपना जीवन यापन अच्छे से कर सके। उन्होंने कहा कि 8 अगस्त को सत्यानंद स्टोक्स का जन्मदिन होता है, ऐसे में विश्व बागवानी दिवस के अवसर पर खंड स्तर पर अनिवार्य कार्यक्रम करवाए जाए, जिसमें लोगों को जागरूक किया जा सके। आज जिला शिमला की हमारी कृषि व उद्योग विभाग की जो हमारी कमेटी बनी उसका मैं अध्यक्ष हूँ, उसकी मैंने बैठक ली है। और ये जो बैठक है ये हमारी सालाना बैठक होती है, साल में 2-3 बैठकें होती है। पीछे कोविड की वजह से हो नहीं पाई थी। मैंने जिला के जितने अधिकारी आ जाए थे उनके साथ बैठक करी है। इसमें हमारे विशेषकर से जो हमारे कृषि से जुड़ी योजनाएं हैं, हमारी जो है बागवानी से जुड़ी योजनाएं हैं, हमारी जो है मत्स्य, हमारे पशुपालन, हमारा जितने भी जो हमारे डिपार्टमेंट जिला शिमला के अंदर मेरे अंतर्गत आते हैं, उनके जो हमारे डिप्यूटी डायरेक्टर्स हैं, हमारे अधिकारी सभी यहां पर शामिल थे, उनके साथ बैठक करी है। हमने खासकर मैंने बात की है कि जो हमारा हॉर्टिकल्चर और जो कृषि का जो क्षेत्र है, वो हमारा जो जिला शिमला है वो बहुल क्षेत्र है हमारा जो ये कृषि और बागवानी का। तो इसमें जो पीछे हमने देखा है कितने हमारे जो है ओलावृष्टि हुई, बर्फबारी, हमारे अनेकों कारणों से अनेकों चीजें हुई है, लेकिन बागवानी विभाग और कृषि विभाग की तरफ से ये भी अपने आप असहाय है। कोई सरकार की तरफ से भी कोई इसमें जो है ना लोगों को राहत नहीं मिली। इस बाबत भी मैंने आज प्रस्ताव रखे हैं 2-3, वो भी विभाग के माध्यम सरकार को भेजे जाएंगे। दूसरा, हमारे जो कैंप्स होते हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में होते हैं, हॉर्टिकल्चर में, मैंने सख्ती से कहा है कि कैलेंडर जारी किया जाए ये हमारे जो ये कैंप्स है, ताकि जो है ना हमारे पंचायती राज विभाग है उनके साथ से उठा करके गांव तक, दूर दराज के लोगों तक जो ये हमारे कैंप्स की सुविधाएं मिलनी चाहिए। दूसरा, हमने अनेक, जैसे हमारे 8 जो अगस्त रहता है वो हमारा इंटरनेशनल जो है ना हॉर्टिकल्चर डे रहता है, मैंने ये भी सुझाव रखा है कि हमारे जो प्रस्ताव रखा है कि 8 से 16, क्योंकि 16 तारीख को सत्यानंद स्टोक्स जी का जन्मदिन होता है, हमारे जो ना सेब, उन्होंने सेब यहां लाया था जिला शिमला के अंदर 1916 के अंदर, तो उनका एक सप्ताह ये बागवानी सप्ताह होना चाहिए। ये भी मैंने सुझाव और प्रस्ताव हमारे इस जो मीटिंग में रखा है, इस पर भी डिस्कशन हमारा यहां पर हुआ है। बाकी हमारी छोटी छोटी योजनाएं हैं, कैसे वो आखिरी व्यक्ति तक पहुंचेगी, गांव तक पहुंचेगी, वो मैंने अधिकारियों को यहां पर निर्देश दिए कि सख्ती से जो है इसको जो हमारे लोगों तक पहुंचाने का कार्य किया जाए।